हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, LDC, SI, राजस्थान SI और RPSC के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये मेलों के बारे में अधिकतर पूछ ही लेते हैं कि ये मेला किस स्थान पे लगता है, कौन से ज़िले में लगता है, और इसके बारे में मैं आपको विस्तृत और बताऊंगा। तो हम इसको दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस मेलों के बारे में भी बताऊँगा। वैसे तो एक वीडियो हो जाता, लेकिन इसके बारे में बताने के कारण वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए दो वीडियो में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना जो पहला टॉपिक है आज का, प्रमुख मेले। पशु मेलों सहित ही है, पशु मेले भी होंगे इसमें, और जो अपने मेले लगते हैं उन मेलों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको विस्तृत। तो शुरू करते हैं राजस्थान के पशु मेले। अब शुरू करते हैं नागौर के बारे में बताता हूँ, का नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं, पशु मेले और सादा मेले। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक होगी नागौर के पशु मेलों की कि नगर में राम सर्वाधिक तेज और बलशाली है। इजी ट्रिक है कि नगर में राम सर्वाधिक तेज और बलशाली है। तो इसकी ट्रिक में नगर है, इसका अर्थ होगा नागौर। नगर से क्या याद रखोगे? नागौर, और कोई जिला नहीं आ रहा नगर से, तो नागौर याद रखना। राम से याद रखना दोस्तों, रामदेव पशु मेला। सर्वाधिक से याद रखना दोस्तों कि ये सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं। तो सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों नागौर में लगते हैं। तो सर्वाधिक का अर्थ यहाँ, सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं दोस्तों। तेज से याद रखना तेजाजी पशु मेला, और बल से याद रखना बलशाली से बलदेव पशु मेला। ये हो गई दोस्तों जो नागौर के पशु मेले हैं उसकी ट्रिक हो गई। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इन मेलों के बारे में कि ये कहाँ और कब भरते हैं। तो देखो, सबसे पहले रामदेव पशु मेले की बात करते हैं कि रामदेव पशु मेला कब भरता है। तो दोस्तों, माघ शुक्ल एकम से लगता है पूर्णिमा तक, ठीक है, और ये मानासार गांव में लगता है, जो रामदेव जी की याद में भरता है, ठीक है। दूसरा है तेज, तेज से याद रखना तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला इसके बारे में बताऊं आपको कि यह श्रावण पूर्णिमा से जो भाद्रपद अमावस्या तक, ये पर्वतसर गांव में लगता है। कहाँ लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक पर्वतसर गांव में लगता है दोस्तों। ये तेजाजी की याद में है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो है तेजाजी पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? तेजाजी पशु मेला। लगता कहाँ पे है ये? नागौर में लगता है। ये है इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें। बलशाली से याद रखना बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला ये मेड़ता सिटी में लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी में। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, मैंने उस सभी के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं हम आगे, कौन सा मेला है? बाड़मेर का पशु मेला, या बाड़मेर में जो मेले लगते हैं उनके बारे में। तो बाड़मेर में पहले अपन देख लेते हैं कि बाड़मेर में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो दोस्तों, बाड़मेर में मेलों की ट्रिक है मल्ली थारे नाक में बाड़। क्या है ये? कोई ट्रिक है, मल्ली नाम का आदमी है, उसको बोल रहा है कोई आदमी कि मल्ली थारे नाक में बाड़, ठीक है। या इसको एक ट्रिक और है कि मल्ली थारे नाक में हल्दी की बाड़, इससे याद रखना हल्दी की बाड़। तो मल्ली से याद रखना दोस्तों मल्लीनाथ, थारे से याद रखना थार महोत्सव भी यहीं लगता है, नाक से याद रखना नाकोड़ी जी का मेला भी यहीं लगता है, बाड़ से याद रखना कि ये बाड़मेर के जो मेले हैं उसको याद करने की ट्रिक है, और नाक में हल्दी की बाड़, तो हल्दी से याद रखना दोस्तों जो हल्देश्वर मेला है वो भी यहीं लगता है। कौन सा? जो हल्देश्वर मेला लगता है वो कहाँ लगता है? हल्देश्वर मेला भी दोस्तों, हल्देश्वर महादेव मेला, ये यहीं लगता है, जिसे हम मारवाड़ का लघु माउंट भी कहते हैं, ठीक है, हल्देश्वर के मेले को। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में। बाड़मेर में जो मल्लीनाथ है, इसको याद करने की ट्रिक, कई बार इसमें कितने ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने इसको एक ट्रिक के माध्यम से ही आपको बता दिया हूँ, जो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो, इसको मल्ली पुराना तिल बाड़ में लेने गया। क्या है इसकी ट्रिक? मल्ली पुराना तिल
बाढ़ में लेने गया। अब इसमें क्या क्या छिपा हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ। मल्ली से आपको क्या याद हो जाएगा कि मल्लीनाथ पशु मेला, बाढ़ से याद रखना ये बाड़मेर में लगता है। पुराना, इस पुराने का अर्थ है कि राजस्थान का जो सबसे पुराना पशु मेला है दोस्तों वो कौन सा मेला है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है, तो वो है मल्लीनाथ का पशु मेला। ठीक है, तिल से याद रखना ये दोस्तों तिलवाड़ा गांव में, बाढ़ से बाड़मेर हो जाएगा। और लूनी से याद रखना या लेने से याद रखना, लूनी नदी के किनारे पर भरता है दोस्तों। क्या क्या बताया मैंने कि मल्लीनाथ का पशु मेला, ठीक है, कब तिलवाड़ा गांव में लगता है, लूनी नदी किनारे लगता है, ठीक है, और ये किसकी याद में लगता है, मल्लीनाथ जी की याद में लगता है, ठीक है, और इसकी एक खासियत क्या है, ये सबसे पुराना पशु मेला है। ठीक है, इसके बारे में हो गए। थार से थार का, थार में जो लगता है थार मरुस्थल का मेला या थार महोत्सव, तो वो यहीं लगता है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जैसलमेर भी ऑप्शन में आएगा, बीकानेर भी ऑप्शन में आएगा, जोधपुर आएगा और बाड़मेर आएगा। आंसर क्या करना है आपको, बाड़मेर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नाकोड़ा जी का मेला बाड़मेर में लगते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको दो मेले और एक्स्ट्रा बताता हूँ इसके, कि इसमें दो मेले हैं। एक तो हल्देश्वर के बारे में बात की अपने, कि हल्देश्वर जो महादेव मेला वो पीपलूद से, पीपलूद में बढ़ता है दोस्तों। इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से भी जानते हैं हल्देश्वर मेले को। ठीक है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, हल्देश्वर मेला, हल्देश्वर मेला, ठीक है, हल्देश्वर मेला मारवाड़ का लघु माउंट के रूप में जानते हैं। एक और मेला है यहाँ पे, उसे बोलते हैं सुइया मेला, इसको याद ही रख लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कि सुइया मेला ये चौहटन गांव में लगता है, बाड़मेर के ही चौहटन गांव में लगता है सुइया मेला। ठीक है, ये चार वर्ष में एक बार लगता है दोस्तों, कितने वर्ष में, चार वर्ष में एक बार, ये कुंभ की तरह है, इसलिए इसे अर्ध कुंभ की मान्यता भी मिली हुई है सुइया के मेले को। इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने आपको बताया हूँ, एग्जाम में आया है ये दोनों क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब हम बाड़मेर के आगे चलते हैं, कि बाड़मेर के आगे कौन सा मेला, हम अब झालावाड़ के बारे में पढ़ेंगे, कि झालावाड़ के जो मेले हैं उनके बारे में। तो झालावाड़ की ट्रिक है दोस्तों, कृष्ण चंद्रभागा झालर लेकर। क्या हुआ कि कृष्ण, इसकी ट्रिक है, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कि कृष्ण चंद्रभागा झालर लेकर, ठीक है, गोमती के जेठ का हाड सबसे बड़ा, ये कहने के लिए भागा वो, कि कृष्ण चंद्रभागा झालर लेकर गोमती की जेठ का हाड सबसे बड़ा है। इसमें देखो क्या क्या छिपा हुआ है आपको बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत उपयोगी है ये दोस्तों, इसको याद करते हैं। देखो कृष्ण, कृष्ण से याद रखना कि ये कृष्ण पंचमी तक लगता है। क्या याद रखोगे कि ये कब तक लगता है, कृष्ण पंचमी तक लगता है, ठीक है, और कब से स्टार्ट होता है इसके बारे में, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से, कब से, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लगता है कृष्ण पंचमी नवंबर तक। और ये लगता कहाँ पे है, चंद्रभागा का पशु मेला, चंद्रभागा से चंद्रभागा का पशु मेला हो गया। झालर से याद रखना ये झालरा पाटन में पड़ता है, ये जो झालावाड़ में है झालरा पाटन, वहाँ लगता है ये मेला, ठीक है, ये इसके बारे में है। अब मैं बताता हूँ इसके आगे, लेकर को छोड़ देना, गोमती से याद रखना दोस्तों, गोमती से क्या याद रखोगे कि गोमती सागर पशु मेला है वो भी यहीं लगता है झालावाड़ में, गोमती सागर पशु मेला, ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को, कब लगता है, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लगता है, और कब तक लगता है, जेठ पंचमी तक, यानी मई तक लगता है ये दोस्तों, ठीक है, ये भी झालरा पाटन में ही लगता है, ठीक है, इसमें ट्रिक में ही है जेठ पंचमी, ठीक। अब हमारे पास एक चीज़ और थी कि हार्ड सबसे बड़ा, क्या याद रखना है, हार्ड सबसे बड़ा, ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। कभी पूछ ले कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये गोमती सागर पशु मेला है, जो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट भी है। ये हो गए जो अपने थे झालावाड़ के, वो सभी इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे तो क्या पता कितने मेले एक जगह, क्या पता कौन कौन से मेले लगते हैं, तो ये जो उपयोगी है जो मैंने बताया। अब है हनुमानगढ़ में जो मेले लगते हैं उनके बारे में। हनुमानगढ़ में गोगा मान
इसकी ट्रिक है हनुमानगढ़ की मेला, गोगा मान सावन से भादवा पूर्णिमा तक। कोई लड़ाई कर रहा था, उसको बोल रहा है कि गोगा मान सावन से भादवा पूर्णिमा तक रुक जा, फिर देख लो ना। तो याद रख जी दोस्तों, गोगा मान सावन से भादवा पूर्णिमा तक रुक, फिर तरह हार्ड बोलूँगा। देखो मतलब हो जाए भाई, गोगा से याद रखना दोस्तों, गोगा से गोगा मेड़ी पशु मेला। क्या याद रखोगे? गोगा से गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी में कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी में ही लगता है। मान से याद रखना दोस्तों, ये मान हनुमानगढ़ में छिपा हुआ है, तो ये भी इसके आसान हो जाएगा। सावन से का याद रखना कि ये सावन पूर्णिमा से लगता है दोस्तों, कब तक? भादवा पूर्णिमा तक। ठीक है, हो गया यहाँ तक याद? तो ये गोगा मेड़ी के बारे में बता चुका हूँ कि गोगा मेड़ी का पशु मेला सावन पूर्णिमा से स्टार्ट होकर भादवा पूर्णिमा तक लगता है, और ये लगता कहाँ है? गोगा मेड़ी में, जहाँ नोहर तहसील में पड़ता है गोगा मेड़ी, वहाँ पे लगता है। और ये किसकी याद में लगता है? ये गोगा जी की याद में लगता है दोस्तों। और एक और बता देता हूँ कि गद्दों का मेला कहाँ लगता है, जयपुर के बताऊँगा अलग से, लेकिन ये याद रख लेना कि गद्दों का मेला लूणियावास सांगानेर गाँव में लगता है। कहाँ लगता है? लूणियावास सांगानेर गाँव में, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले वीडियो भी जरूर देख लेना दोस्तों, और आगे आने वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे ये आपके मेले जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में तकलीफ़ नहीं होगी दोस्तों। ट्रिक याद होगी तो आपको तुरंत कोई सा भी पता चल जाएगा तुरंत ही कि हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, उससे क्या याद हुआ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें आगे आने वाले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों।